22 जनवरी 2024 का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, क्योंकि आज वर्षों से जिस दिन का इंतजार था वो इंतजार खत्म हो गया। अयोध्या में राम मंदिर बना और भगवान राम पूरे ठाट के साथ वहां आज विराजमान हो गए। अयोध्या में हुए इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का गवाह करोड़ों भारतीयों सहित देश विदेश के लोग भी बने, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को लाइव देखा। रीवा में भी जश्न का माहौल रहा और रीवा के ऐतिहासिक स्थल पचमठा मंदिर में अयोध्या में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, सांसद जनार्दन मिश्र सहित प्रशासनिक अधिकारी व सैकड़ों राम भक्त उपस्थित होकर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का लाइव आनंद उठाया। बहुत ही रोमांचित करने वाला, पता नहीं कितने लोगों के आंखों से आंसू निकल आया होगा इस दृश्य को देखने के बाद। बहुत ही भावुक क्षण था ये, जब भगवान राम के जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण पर निर्माण करने के पश्चात उस भव्य भवन में भगवान राम को स्थापित करने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये कलंक 500 साल पहले लगा था और उस समय ये नारे लगे थे, रामलला हम आएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे।